श्रीराम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने थानों पर पहुंचकर राजस्व टीम के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया। शनिवार को एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह गोरखनाथ थाने के समाधान दिवस में पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री शहरी आवास सहित कुल 4 मामले आए, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर आए सभी मामलों का मौके पर ही आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में कुल 4 मामले आए थे, जिनका राजस्व टीम व पुलिस टीम की मदद से निस्तारण करवा दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जमीन अपने सिस्टर को दिया था, अपने पिता को दिया था। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह मीडियम फाइनेंस हूं और गोरखनाथ थाने के थाना समाधान दिवस का प्रभारी हूं, प्रभारी रहता भी हूं। आज जितने भी प्रकरण वहां पर आए थे, अच्छी बात ये थी कि लगभग सभी प्रकरणों में दोनों पक्ष आ गए, दोनों पक्षों ने खुले मन से अपनी बात रखी और हम लोगों ने नियमानुसार उन लोगों से बातें की, उनको बताया कि आप इस तरह से अगर अपनी बात रखते हैं तो आपका समाधान हो सकेगा। और अच्छी बात ये रही कि लगभग सभी प्रकरणों में समाधान हो गया और शांति व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात रही। सर, किस किस तरह के मामले हैं? मामले मुख्य तौर पे ज़मीन के ही मामले थे। एक मसला ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति का 28 फीट चौड़ाई थी, दूसरे की 20 फीट चौड़ाई थी, कुछ इंच का मामला था और वो लोग आपस में उलझे हुए थे, परंतु 2-3 चक्र की वार्ता के बाद वो सुलट गया। एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मसला आया हुआ था, वो भी सुलझ गया। 2-3 मामले और थे जिनमें 1-2 में वसीयत का प्रकरण था। सभी मसलों में दोनों पक्षों ने सहयोग किया, हम लोगों की बातें मानी, हमने उनकी बात सुनी और समाधान कराया।